हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं T3 YouTube चैनल और आज हम जानेंगे टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में जिनकी प्राइस रेंज 10,000 या इससे कम है। दोस्तों, इस वीडियो में जो टॉप 5 स्मार्टफोन चूज किए गए हैं वो 5 कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जो कि है डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले और प्राइस कैटेगरी में। साथ ही साथ हम ये भी समझने की ट्राई करेंगे कि क्यों इन स्मार्टफोन को ये रैंक दिया गया है, किस स्मार्टफोन में क्या क्या कमियां रह गई हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और कीजिएगा आपके इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह के न्यूज अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अंडर 10,000 के टॉप 5 स्मार्टफोन में जिस स्मार्टफोन को 5th रैंक दिया है वो है होनर का 10C, जिसकी है 3GB की रैम और 32GB की स्टोरेज। इसका प्राइस हमें मिलता है 9,999 रुपये में और आप इसे खरीद सकते हैं अमेजन में। इस मोबाइल में हमें मिलता है 5.99 इंच की 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ HD+ डिस्प्ले, जिसकी PPI है 269 की। फोन में हमें मिलता है कैमरा 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जिसका एपरेचर है F2.2 का। फ्रंट कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर है F2.0 का। फोन बना है एल्युमिनियम बॉडी का। फोन का वेट है 164 ग्राम का। फोन का प्रोसेसर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 450। फोन की बैटरी है 3000 mAh की। इस फोन का जो हाईलाइट फीचर है वो है इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस लॉक दोनों हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें कि फोन में क्या कमियां रह गई हैं, तो फोन का जो प्रोसेसर है वो इस प्राइस रेंज को देखते हुए काफी कम लगता है। फोन में जो ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है, इसमें जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। कम से कम सेकेंडरी कैमरा अगर 5 मेगापिक्सल का होता तो फोन का प्लस पॉइंट होता। और साथ ही साथ इस फोन में हमें जो डिस्प्ले मिलती है वो है HD+ रेजोल्यूशन वाली, जबकि इसी रेंज के अदर स्मार्टफोन में आजकल हमें फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। फोर्थ रैंक की बात करें तो यहाँ एक न्यू कंपनी का स्मार्टफोन आता है, वो है टेनोर जी। इस फोन में हमें अंडर 10,000 में दो वेरिएंट मिल जाते हैं, वो है 3GB 32GB 7,999 में और 4GB 64GB 9,999 में। ये फोन भी आप अमेजन से खरीद सकते हैं। इस फोन में हमें मिलती है 5.5 इंच की 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ फुल HD IPS डिस्प्ले, जिसमें हमें मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। फोन में हमें मिलता है ड्यूल रियर कैमरा 13+13 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर है F2.0 का। बात करें फ्रंट कैमरा की तो वो भी हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर है F2.0 का। फोन बना है मेटल बॉडी का। इसका वेट है 170 ग्राम का। फोन का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 626। फोन की बैटरी हमें मिलती है 4000 mAh की। बात करें इसके हाईलाइट फीचर की तो फोन में हमें ड्यूल रियर कैमरा मिलते हैं, वो है 13+13 मेगापिक्सल के। इस फोन के प्राइस रेंज की बात करें तो इसमें हमें प्रोसेसर और बैटरी दोनों ही अच्छे मिलते हैं। अगर बात करें फोन के कॉन्स की तो हमें सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है, वो है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले, जबकि आजकल के सभी स्मार्टफोन्स में स्टैंडर्ड बन गया है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले का। इस फोन में फेस लॉक का फीचर ना होना भी इसका माइनस पॉइंट बनता है। थर्ड रैंक की बात करें तो यहाँ आता है Xiaomi का Redmi Note 5। 9,999 रुपये में आपको 3GB 32GB वेरियंट आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट या MI स्टोर पर। इस फोन में हमें मिलती है 5.99 इंच की 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ फुल HD+ IPS डिस्प्ले, जिसमें हमें मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन और इस फोन की PPI है 403 की। फोन में हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जिसका एपरेचर है F2.2 का, और फोन का फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर है F2.0 का। फोन बना है मेटल बॉडी का। इसका वेट है 180 ग्राम का। फोन का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 625 का। फोन की बैटरी हमें मिलती है 4000 mAh की। इस प्राइस रेंज में फोन का प्रोसेसर और बैटरी दोनों ही अच्छे हैं। पर बात करें फोन की कमियों की तो फोन का फ्रंट कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। साथ ही साथ फोन में फेस लॉक का फीचर भी हमें नहीं मिलता है। इसकी एक और कमी लगी इस प्राइस रेंज को देखते हुए, क्योंकि 3GB 32GB का वेरिएंट मिलता है हमें 9,999 का। इसके बाद भी इसमें हमें मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिसमें आप दो सिम कार्ड या तो एक साथ यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड ही यूज कर सकते हैं। सेकंड रैंक पर आता है Xiaomi का ही Redmi Y2, जो कि हाल ही में 7 जून अमेजन पर और MI स्टोर पर लॉन्च किया गया है, जिसका प्राइस है 3GB 32GB वाले वेरिएंट का 9,999 रुपये। इस फोन में हमें मिलता है 5.99 इंच की 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ HD+ IPS डिस्प्ले, जिसकी PPI है 269 की। फोन हमें मिलता है ड्यूल रियर कैमरा 12+5 मेगापिक्सल के साथ, जिसका एपरेचर है F2.2 का। साथ ही साथ इसमें EIS का सपोर्ट भी हमें मिलता है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें मूवमेंट होने पर भी काफ़ी हद तक स्टेबल वीडियो देखने को मिलती है। फोन का फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर है F2.0 का, और फोन में मिलती है हमें मेटल बॉडी। इसका वेट है 170 ग्राम का। फोन का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 625 का। बैटरी हमें मिलती है 3000 mAh की। फोन का जो हाईलाइट फीचर है वो है इसका ड्यूल रियर कैमरा, साथ ही साथ इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस लॉक का फीचर भी हमें एक साथ मिलता है। बात करें फोन की कमियों की तो फोन की डिस्प्ले हमें मिलती है ओनली HD+। फोन की बैटरी हमें मिलती है सिर्फ 3000 mAh की। अगर यही इस फोन के डिस्प्ले हमें फुल HD+ मिलती तो ये एक इसका किलर फोन बन जाता। बात करें आज के टाइम अंडर 10,000 नंबर वन फोन की तो वो है ओप्पो का हाल ही में लॉन्च हुआ Realme 1, जो कि 3GB 32GB के साथ 8,999 में अमेजन में मिल जाता है। इस फोन में हमें मिलता है 6 इंच की 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ फुल HD+ IPS डिस्प्ले, जिसकी PPI है 402 की।
इस फोन में कैमरे मिलते हैं हमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जिसका एपरेचर है f2.2 का, और फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का जिसका एपरेचर है f2.2 का। फोन के दोनों ही कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में हम फोटोज को क्लिक कर सकते हैं, हालांकि ये सॉफ्टवेयर मोड में हम क्लिक कर सकते हैं, फिर भी ये काफी अच्छी हद तक पोर्ट्रेट मोड क्लिक कर देता है। फोन बना है फाइबर बॉडी का, इसका वेट है 155 ग्राम का। फोन का प्रोसेसर हमें मिलता है मीडियाटेक का हेलियो P60 और फोन की बैटरी हमें मिलती है 3410 mAh की। इस फोन में हाईलाइट फीचर भी बहुत है, जैसे कि नंबर फर्स्ट है इसका प्रोसेसर जो कि है हेलियो P60 जो कि मिड रेंज के स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट प्रोसेसर आ रहा है। सेकंड, इसके प्रोसेसर के कारण ही ये फोन ड्यूल 4G वोल्टेज सपोर्टेड है, मीन अगर आप जियो के साथ कोई अदर सिम भी यूज करते हैं और अगर आप उस सिम के अंदर इंटरनेट यूज करते हैं जियो में नहीं करते तो जियो का नेटवर्क इस फोन में रहेगा, जबकि अदर फोन्स में ऐसा होता है कि अगर आप दूसरे सिम में इंटरनेट चलाते हैं तो जियो का नेटवर्क उठ जाता है। थर्ड, इस फोन का जो है फेस लॉक का फीचर जो कि काफी फास्ट है। फोर्थ है, इस फोन में मिड रेंज के होने के बाद, इतने सब फीचर्स होने के बाद भी हमें फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि इस फोन को कंप्लीट अंडर 10,000 बेस्ट फोन बनाता है। अगर बात करें इस फोन में कमी की, तो इस फोन में सिर्फ मुझे एक ही कमी दिखी, वो है इसका फिंगरप्रिंट लॉक नहीं मिलता इस फोन में हमें। तो ये थे मेरी नज़र में टॉप 5 मोबाइल, आपकी नज़र में कौन सा मोबाइल बेस्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका कोई अगर फेवरेट स्मार्टफोन इस लिस्ट में रह गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।